स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ बिल्कुल भंडारी स्टाइल की आलू की सब्जी, जो बहुत ही अच्छे एकदम गाढ़ी ग्रेवीदार टेक्सचर में है और बनाना इसे बहुत ही आसान है। और मैंने इस सब्जी को बनाया है बिना प्याज लहसुन के। आप व्रत पूजा में भी इस सब्जी को बहुत ही आराम से बना सकते हैं। तो चलिए देर न करते स्टार्ट करते हैं। इस सब्जी को बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई को गैस पर रख लिया है और अब मैं इसमें डाल दूंगी 2 बड़े चम्मच मस्टर्ड ऑयल। आप नॉर्मल ऑयल भी ले सकते हैं, अगर मस्टर्ड ऑयल ले तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट हमारी सब्जी में आता है। और इसी में डाल दें आप 1 चम्मच घी। घी डालने से इस सब्जी का टेस्ट दुगना बढ़ जाता है, आप एक बार इसे जरूर ट्राई करें। जैसे ही हमारा ऑयल गर्म होता है, आप सबसे पहले डाल दें इसमें कुछ खड़े मसाले। मैं डाल रही हूँ 1 तेज पत्ता, जिसको मैंने 2 टुकड़ों में कर लिया है, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 लौंग, इन्हें हल्का सा भूने। फिर इसमें डाल दें 1 छोटी चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच सौंफ। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट एकदम हलवाई स्टाइल का इस हमारी सब्जी में आ जाएगा। बिल्कुल 1/4 स्पून मेथी दाना, इसे आप बहुत कम डालें, अदरवाइज थोड़ा सा कड़वा टेस्ट होता है इसका। आप अगर थोड़ा ज़्यादा डाल देंगे तो ये थोड़ा सा कड़वा टेस्ट दे देगा। और ये मैं ले रही हूँ साबुत धनिया, जिसे मैंने 2 टुकड़ों में क्रश कर लिया है, ये मैंने 1 चम्मच डाला है। अब बारी आती है इसमें वो चीज़ डालने की, क्योंकि हम इस सब्जी को बिना प्याज लहसुन के बना रहे हैं, तो मैंने ले लिया है ढेर सारा अदरक, जिसे मैंने कद्दूकस कर लिया है, और 2-3 कटी हुई हरी मिर्चें। आज मैं आपको बिना प्याज लहसुन की सब्जी बता रही हूँ, क्योंकि अधिकतर व्रत और त्योहारों में हम लोग प्याज लहसुन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, और हलवाई भी इस तरह की सब्जी बनाने में प्याज लहसुन का इस्तेमाल नहीं करते। तो आज मैं आपको उन्हीं का सीक्रेट तरीका बता रही हूँ। तो जैसे ये थोड़ा भुन जाए, अब इसमें डाल दें 2 सूखी लाल मिर्चें और हल्का सा भून लें। और अब इसमें आप डालते हैं 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची का पाउडर। ये तीखी कम होती है, लेकिन इससे कलर हमारी सब्जी में बहुत ही अच्छा आता है, और इस तरह ऑयल में इसको भूनने से हमारी जो सब्जी का रंग है बहुत ही अच्छा एकदम मार्केट जैसा निकल कर आएगा। और अब मैंने 3 टमाटरों को हल्का सा मिक्सी में दरदरा ग्राइंड कर लिया है, या तो आप उन्हें कद्दूकस कर लें या मिक्सी में हल्का दरदरा पीस लें, बहुत ज़्यादा बारीक ना करें। जितनी देर में हमारे टमाटर थोड़ा पकते हैं, हम तैयार कर लेते हैं इसका मसाला। अब मैंने ले ली इस तरीके से 1 कटोरी, इसमें मैं सबसे पहले डालूंगी 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच गरम मसाला, और 1/2 छोटा चम्मच डाल रही हूँ मैं काली मिर्ची का पाउडर। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट हमारी सब्जी में आ जाएगा। और अब मैं डाल रही हूँ इसमें 1/2 चम्मच आमचूर का पाउडर, इससे हमारे जो टमाटर है उसका टेस्ट जो है बहुत अच्छा बैलेंस होकर आता है। और इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लें। और अब इस पेस्ट में आप डाल लें 2 से 3 बड़े चम्मच पानी और इसका एक गाढ़ा सा पेस्ट बना लें। देखिए, मैंने इस मसाले का एक अच्छा पेस्ट बना लिया है। देखिए, हमारे टमाटर भी पक रहे हैं, और अब इसी में आप इस पेस्ट को डाल दें। इससे हमारी सब्जी में जो पिसे मसाले जैसा फ्लेवर, जो पहले हाथों से मसाला पीसा जाता था सिलबट्टे पर, इससे बिल्कुल वही फ्लेवर हमारी इस सब्जी में आ जाएगा। और इसे भी इसमें मिक्स कर लें और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दें। और इस सारे मसाले को, जब तक इसका तेल सेपरेट ना हो जाए, अच्छे से भून लें आप 2 से 3 मिनट। देखिए, आप देख सकते हैं हमारे मसाले से कितने अच्छे से तेल सेपरेट हो चुका है और ये पक भी चुकी हैं सारी चीज़ें। अब बारी आती है इसमें आलू डालने की। तो मैंने लिए हैं करीब 1/2 किलो बॉयल आलू, ये देखिए, और मैंने इन्हें अभी तोड़ा या कट नहीं किया है। अब आप क्या करें, डायरेक्ट इस सब्जी में ही पहले 1-2 आलू को तो बहुत अच्छे से मसल कर डाल दें, और फिर इन्हें ऐसे ही हाथों से थोड़े चंक्स भी बचें और इस तरीके से इसमें तोड़कर डाल लें। आप कट ना करें इस सब्जी में, आलू जो है इस तरीके से तोड़कर डालने से जो सब्जी का टेक्सचर है वो बिल्कुल हलवाई जैसा आता है। और अब इन आलूओं को आप मसाले के साथ अच्छे से 1-2 मिनट के लिए भून लें, जिससे सारा मसाला जो है इन आलू पर अच्छे से कोट हो जाएगा। देखिए, हमारा सारा मसाला आलूओं के ऊपर अच्छे से कोट हो गया है, आप देख सकते हैं। और करीब 1-2 मिनट मैंने इन सारी चीज़ों को भून लिया है। अब आप इसमें डालें जरूरत के हिसाब से पानी। अगर आप इस सब्जी को पूड़ी के लिए बना रहे हैं तो इसे बहुत ज़्यादा पतला ना करें। देखिए, आप देख सकते हैं इस सब्जी का टेक्सचर, अभी ये पकी भी नहीं है और कितना सुंदर कलर हमारी सब्जी में आ रहा है। और देखिए, इसमें कुछ पीसेज आलू के थोड़े मोटे हैं और कुछ बिल्कुल ग्रेवी के साथ घुल मिल चुके हैं। बस अब आप इस सब्जी को करीब 4-5 मिनट लिड लगाकर लो फ्लेम पर पकने दें, जिससे सारे मसालों का फ्लेवर हमारे आलू में आ जाए। देखिए, करीब 5-6 मिनट हमारी सब्जी को पकते हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर से ऑयल भी आने लगा है। देखिए कितना अच्छा गाढ़ा टेक्सचर हमारी सब्जी का आया है।
बस अब इस स्टेज पर आप डाल दें थोड़ी सी कसूरी मेथी। मैं एक बड़ा चम्मच कसूरी मेथी ले रही हूँ और इसे हाथों से थोड़ा सा क्रश करके डालूंगी। इससे इसका पूरा फ्लेवर हमारी सब्जी में आएगा। और इन सारी चीज़ों को मिक्स कर दें। बस देखिए आपकी सब्जी जो है सर्व के लिए तैयार है। अब आप गैस का फ्लेम बंद कर दें और ऊपर से डाल दें थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया। देखिए हमारी सब्जी सर्व के लिए तैयार है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी गाढ़ी एकदम बहुत ही मस्त टेक्सचर की सब्जी हमारी बनकर तैयार हुई है। चलिए अब अपनी सब्जी को सर्व कर लेते हैं। लीजिए हमारी सब्जी सर्व के लिए तैयार है। तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये आलू की सब्जी बनाने की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपने अनुभव मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आप भी बनाइए टेस्टी आलू की सब्जी। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।